नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। चलिए, धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई बड़ी 20 खबरें कौन सी हैं आज आपको बताते हैं। इंदौर में स्थित खजराना गणेश मंदिर में रोजाना हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि जो भी भक्त किसी कामना के साथ बप्पा के दरबार में पहुंचते हैं, वे यहां अपनी इच्छा उन्हें बताकर मंदिर के पीछे की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर चले जाते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वे आकर अपने उल्टे स्वास्तिक को सीधा आकर बनाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ उज्जैन में ही दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग बाबा विराजमान है। कोरोना के कम होते असर को देखते हुए महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू हो गया है। नैनीताल में माता भगवती का एक अनोखा मंदिर स्थित है, जिसे पाषाण देवी का मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में माता भगवती की 9 पिंडियां अपने आप अवतरित होकर आई हैं। पहाड़ी में देवी मां ने अपने 9 रूपों को पत्थर पर दिखाया, इसीलिए ये मंदिर पाषाण देवी के नाम से प्रसिद्ध है, और 9 रूप होने की वजह से इन्हें नव दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। कानपुर के किदवई नगर में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। मंदिर में भगवान राम परिवार के साथ विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केरल त्रावणकोर देवस्वान बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि 17 सितंबर से अपनी यात्रा का समय बुक कर सकते हैं। TDB ने कहा है कि COVID-19 महामारी के कारण तीर्थयात्रियों की दैनिक संख्या 15,000 तक सीमित रहेगी। राजस्थान के जैसलमेर में 7 से 17 सितंबर तक लगने वाला रामदेव पीर का 637वां मेला कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। मंदिर समिति ने भी इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रखने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित पवित्र मणि महेश की यात्रा के लिए स्नान का शुभ मुहूर्त 13 सितंबर की सुबह से शुरू हो गया है। इस मौके पर चंबा की छड़ी, दशनामी अखाड़े की छड़ी और शिव भक्त एक साथ डल झील में इकट्ठा होते हैं। ये नजारा देखने के लिए शिव भक्त भी यहां जुटते हैं और सारी रात भगवान शिव शंकर का गुणगान और जागरण कर कैलाश पर्वत पर अलौकिक मणि के दर्शन करते हैं। 28 नवंबर से अहमदाबाद गुजरात में आरंभ होगी दिव्य गौ कथा। 4 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को गौ माता की महिमा से अवगत कराएंगे। हरियाणा के यमुनानगर में स्थित सूर्यकुंड मंदिर का अपना ही विशेष महत्व है। एक और जहां 100 कुंडीय श्री महाचंडी महायज्ञ के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण श्री रामचरितमानस एल्यूमिनियम की प्लेटों पर हस्तलिखित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ महादेव मंदिर में पहली बार जलाभिषेक आशीर्वाद लेने व दर्शन के लिए वर्चुअल 4D प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब भक्त 360 डिग्री से शिवलिंग का दर्शन कर पाएंगे। श्री राम मंदिर निर्माण का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पत्थरों की आपूर्ति की जा रही है। कार्यदायी संस्था ने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पत्थर उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैंची धाम में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कैंची धाम से पाडली तक बाईपास सड़क निर्माण की घोषणा की है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है गणेश मंदिर। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां समुद्र की लहरें पहुंच जाती है। यह श्री क्षेत्र स्वयंभू मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। इस बार का दीपोत्सव रामनगरी के लिए बड़ा ही खास होने जा रहा है। इसमें राम मंदिर निर्माण की खुशी तो झलकेगी ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री के हाथों हजारों करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य हो सकता है। 17 सितंबर से आरंभ होगा दिव्य गीता सत्संग कार्यक्रम। प्रतिदिन शाम 6 बजे से चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता मनीषी परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर एवं सनातन धर्मभूषण राजराजेश्वर गुरुजी के तत्वावधान में 20 सितंबर से गया बिहार में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 29 सितंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी में स्कॉन मंदिर की तर्ज पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण की कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में स्थित माँ चामुंडा मंदिर में 100 किलोग्राम चांदी से रजतीकरण का कार्य किया जाएगा। इसे लेकर देवस्थान प्रबंध समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 20 सितंबर से बोधगया बिहार में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 27 सितंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य श्री रमाकांत व्यास जी महाराज रावतपुरा धाम लोगों के ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। आप सुबह 10 बजे से संस्कार चैनल पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई धार्मिक गतिविधि आपके आसपास हो रही है या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम होने वाला है या कोई सामाजिक कार्यक्रम होने वाला है तो आप उसकी जानकारी हमें ज़रूर दें info@sanskargroup.in पर। उन खबरों को हम फिर दिखाएंगे इसी कार्यक्रम यानी भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।